कोरिया जिला के मनेन्द्रगढ़ में मानव तस्करी के मामला सामने आए हैं। ये मामला में पीड़ित के परिजन मन के रिपोर्ट में पुलिस हा अपराध कायम करके खोजबीन शुरू कर दिए है। देखो हमर ये रिपोर्ट। मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसगढ़ी और खैरबना के रहैया मान सिंह, सुखसेन, नन्नू और हृदय सिंह ला उखरे गांव में रहैया सुग्रीव सिंह हा हैदराबाद में बोर मशीन में काम दिलाए के वादा करीस और हैदराबाद में काम करे बर 10,000 रुपया महीना में मिलही और साथे साथ रहना और खाना भी फ्री में मिलही कहके चारों युवक मन के परिजन मन दलाल के झांसा में आ गईस और लगभग 3.5 महीना पहली दलाल के साथ चल दीस। जाए के 15 दिन बाद सुखसेन हा अपन मामा के लड़का ला फोन करके बताइस कि ओहा भारी तकलीफ में है, ओहा यहाँ नहीं रहना चाहते, ओला लेजे बर कहिस। ए बात के जानकारी युवक के परिवार वाला मन ला पता चलीस तो ओकर होश उड़ गए। ओकर बाद उमन सुग्रीव नाम के दलाल ला लगातार फोन लगात रहीस लेकिन ओकर फोन लगीस ना तो बातचीत होइस। तब ले युवक के परिवार वाला मन अपन लड़का के सलामती और पता ला करत है लेकिन ये चारों युवक के कोनो पता नहीं चलत है। तभी ये चारों युवक के परिजन मन मनेन्द्रगढ़ थाना पहुंचीस और ये मामला के जानकारी ला पुलिस अधिकारी मन ला दीस। अब ये घटना हुआ था कि हमारे लड़के घर से गए और वहाँ जा कर के बोले कि हम भुला गए और उसके बाद फिर वो ठेकेदार लोग पैसा नहीं भेजाते हैं, इस कारण हम बोले भाई हमारा लड़का भुला गए, फिर गए थाने में खोज करने। क्या हुआ, वो लौट आया कि? लौट आया, वो लौटे के बाद में मैं उसको बोला हमारे लड़के ला दो, इसका 3 दिन मेरे को बोला था कि आज जाऊंगा कल जाऊंगा करके, ऐसे करके फिर वो गोल हो गए। कितने लड़के गाँव के गायब है? 4 लड़के हैं। वो गया पैसा लेकर के वहां से आया और फिर दोबारा नहीं गया लेने के लिए, हम लड़के को मंगाने चाहते हैं। थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़ विमलेश दुबे हा उच्च अधिकारी मन ला घटना के जानकारी दीस और अपराध कायम करके प्रारंभिक विवेचना शुरू कर दे। मेंड्रा डोल ग्राम का एक मामला अभी प्रकाश में आया है। मेरी जानकारी मिली है कि गांव के 2 नवयुवक हैं और वहीं पास के 2 जो बच्चे हैं वो काम करने के लिए हैदराबाद गए थे और उसके बाद से वापस नहीं आ पाए हैं। वैसी स्थिति में जो गांव के लोग जिनके साथ वो काम करने गए थे, परिवार वालों के द्वारा ऐसी शंका व्यक्त की गई है कि उनको काम करने के बहाने फैसला कर ले जाया गया है और जो गांव के कुल 4 लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है उनके परिजनों से जानकारी लेकर और सारे कॉल डिटेल और जो भी इन्वेस्टिगेशन में अभी तात्कालिक रूप में साक्ष्य उपलब्ध हैं उसको लेके हम जल्दी ही वहां टीम भेज के बच्चों के सकुशल वापसी का प्रयास करेंगे और तत्काल जो लोग इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई। न्यूज 36 पर कोरिया ले डिजिटल रिपोर्टर संजय गुप्ता के रिपोर्ट।